जी, आई एम लाइव अगेन। आई थिंक देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद माय कनेक्शन। शायद मेरा ही कनेक्शन ख़राब था। जी, आई एम बैक अगेन एंड आई होप अदनान सिद्दीकी इज़ ऑल्सो देयर। वेट जी, सॉरी, डिस्कनेक्ट हो हाँ, गया था क्या हो शायद गया मेरा था? मेरा हाँ पता नहीं, हाँ मुझे लगा कि आपकी तरफ से शायद हुआ, फिर डिस्कनेक्ट करके दोबारा किया। जी, कोई नहीं, कोई सो जी, नहीं। तो थोड़ा इतने मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। मुझे तो आपके लिए आ रहे हैं यार। मतलब इमरान, ये नहीं तुम कह सकते, जस्ट सी योर प्रेजेंस ऑन इंस्टाग्राम, हाउ मच यू आर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, मैं कितना हूँ। मुझे तो अभी जाके समझ आया कि थैंक माशाल्लाह काइंड ऑफ फैन फॉलोइंग यू हैव। यू अदान भाई, आप तो माशाल्लाह। आप तो, मैं यही भी बता रहा था कि यू आर वन ऑफ दोस वेरी फ्यू स्टार्स इन पाकिस्तान। लाइक आई थिंक यू आर द ओनली वन हु हैज डन बॉलीवुड, लॉलीवुड, हॉलीवुड, सारा का सारा। सो वी आर सो लॉलीवुड प्राउड ऑफ यू एंड यू रिप्रेजेंट। लॉली रहता है अभी? बस चले, टॉली वो ऐसा कोई टॉली मसला नहीं। हाँ, टॉली 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 भी और एक कॉली भी है। हाँ बिल्कुल है, तो ये दोनों बहुत बड़े हैं भाई। हाँ, टॉली तो काफी बड़ा, टॉली बिल्कुल तो बिल्कुल काफी बड़ा। तो फाइनली यू नो, नॉट फाइनली, आपकी प्रोडक्शंस भी माशाल्लाह चल रही हैं। यार, आजकल तो यू सब स्टार्टेड रुका फ्रॉम, हुआ। हाँ, आजकल सब चला, सब सब रुका हुआ। क्या क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं? यार मैं क्या प्रेडिक्शन दूंगा, मगर आई जस्ट डोंट वांट टू डिसहार्टन एवरीवन हियर, मगर कुछ हालात सही लग नहीं रहे यार। लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा आइजली डिसहार्टन अपनी सेविंग्स करना। हाँ इस्तेमाल करें, बस ये मेरी गुजारिश, हाँ बिल्कुल। क्योंकि इकॉनमी एंड देन ऑफ और कोर्स स्टॉक मार्केट इज क्रैश लाइक एनीथिंग। हाँ बिल्कुल। और अब आप, मेरा ख्याल है, रूट्स की तरफ वापस आ जाएं। इट्स अबाउट टाइम आपसे, मतलब हम सब, कि अब जो वो बेसिक्स थे हमारी लाइफ में, अब तो आना ही पड़ेगा। इसलिए कि वो सारा का सारा ऑप्यूलेंस और सारी चीजें जो है, वो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री वेरी सून। सो इंटरनेशनली, हाँ इमरान मुझे ये बताओ, यू वेंट टू एनसीए, और तुमने या एनसीए आर्किटेक्चर किया था, क्या किया था? जी, मैंने आर्किटेक्चर किया था। तो कोई घर बनाए, कुछ कुछ किया, कोई बिल्डिंग्स बनाई कि नहीं बनाई? मैंने शुरू में बहुत बनाई थी। अच्छा शुरू में मैंने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बहुत किए थे, और शुरू से ही मेरा जो, लेकिन मेरा हमेशा से जो ज्यादा जो मेरा एप्टीट्यूड था वो टुवर्ड्स इंटीरियर था। तो अब मैं बड़े अरसे से, पिछले एक साल से मैं सोच रहा था कि मैं इसकी तरफ आऊं, एंड नाउ फाइनली आई थिंक दिस इज द टाइम व्हेन आई एम प्लानिंग टू स्विच टू आर्किटेक्चर। नॉट स्विच 100%, एक्टिंग शेक्टिंग तो चलती रहेगी, बट आई एम कमिंग इन रियल इस्टेट एंड फाइनली आई एम स्टार्टिंग माई ओन प्रोजेक्ट्स नाउ। अरे सो माशा जी तो ऑलवेज बीन फ्रॉम इस्लामाबाद या ऑलवेज कराची, ऑलवेज ऑलवेज? अच्छा नहीं, अच्छा कराची जी बिल्कुल। मैं शुरू से ही कराची, इस्लामाबाद में रहा, यहीं पैदा हुआ, यहीं गाया बजाया, म्यूजिक सीखा, जो भी कुछ किया। फिर उसके बाद फिर एनसीए आया था, लेकिन कराची का बहुत थोड़ा सा एक वक्त था। 6 साल में रहा हूँ कराची में। आप याद है, आप जब हमने उमराव जान किया था, तो उस वक्त हम क्योंकि पहली दफा मैं मिले दुबई थे। बताने और लगा था कि उमराव जान हो रहा था और उसके अंदर हम हैदराबाद से वापस आ रहे थे, तो हाँ, और मुझे पहली दफा पता चला था कि आप बांसुरी हो जाते। एक लड़का बिल्कुल पीछे बैठा हुआ, और उसने फिर एकदम गाना गाना शुरू किया, तो सबकी गर्दनें मुड़ गई, ये कौन गा रहा है भाई ये बच्चा। तो पूरे वक्त बोला नहीं, और गाने जैसे ही शुरू हुए तो गाना, क्योंकि वो एक सफर था लंबा, तो सभी गाना गा रहे थे। हाँ और राना शेख हमारी उसमें डायरेक्टर थी। हाँ हाउ डिड यू, एक्टिंग में कैसे आए तुम? एक्टिंग में मैं एक्चुअली पहले मॉडलिंग में आया था, और उसके बाद एक्टिंग में मैं बहुत छोटा सा था जब मैं रेडियो पे जाके किया करता था अपनी बच्चों के शोज और ड्रामे, जो उस वक्त रेडियो के ड्रामे होते थे। तो उस वक्त मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाया करते थे, और मेरे लिए वो बहुत होते थे। बस फिर मेरा भी हो गया।
नहीं, इस्लामाबाद से होता था वर्ड सर्विस पे। फिर अच्छा वही मेरी पॉकेट मनी होती थी, वही थोड़े बहुत जो पैसे मिलते थे, और मुझे अच्छा लगता था कि मैं अपने खुद ही कमाऊं। फिर पीटीवी पे मैं चाइल्ड स्टार पे आया, बहुत छोटे 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 रोल्स किए, बच्चा, और बच्चों के छोटे ही रोल होते थे। तो उसके बाद फिर उमराव राना आपा ने मुझे देखा था पहली दफा, सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा ने मुझे ऑफर किया था, और उनका सीरियल था शायद के बाहर आया, हसीना मुइन का, हाँ वो मेरा पहला सीरियल था। और पैरेलल एक और चल रहा था जन्नत, जो कि मोहम्मद बख्श समेजो एक डायरेक्टर थे जिनका इंतकाल हो गया कमाल टीवी के। कमाल कमाल डायरेक्टर थे। जी, तो हाँ उसमें वो था, और मुझे शुरू से ही अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। मतलब उसमें नुमान एजाज मेरे बड़े भाई थे, एक में हुमायूं सईद मेरे बड़े भाई थे, एक में आपके साथ उमराव जान जो मेरा तीसरा प्रोडक्ट। सो आई ऑलमोस्ट वर्क विद ऑल बिग नेम्स ऑफ दैट टाइम, और अच्छे YouTube डायरेक्टर्स, राणा शेख के साथ दो सीरियल्स किए थे, और उसमें तो बड़े अच्छे लोग थे, और बड़ी अच्छी प्रोडक्शन हाउसेस थी, और स्क्रिप्ट्स अच्छे थे, हसीना मुइन का स्क्रिप्ट था, और इस तरह तो वो मजा आया। और फिर उसके बाद नहीं। फिर वो तो चल पड़ा। फिर और फिर अब मैं आपसे पूछूंगा कि यू स्टार्टेड विद वो मिशी खान वाला कौन सा था, उरुसा, उरूसा। उरूसा वाज योर फर्स्ट सीरियल, राइट? तो उरुसा नो, वाज माय फर्स्ट सीरियल, बट माय एवर फर्स्ट टेलीविजन प्ले वाज ख्वाबों की जंजीर। इंडिपेंडेंट प्ले एक जमाने में हुआ करते थे पीटीवी से, याद है? पीटीवी अच्छा, में कौन कौन थे डायरेक्टर, कौन थे? अच्छा कासिम जलाली साहब थे और अच्छा अनुरम अच्छा अच्छा का लिखा हुआ था, और पहले ही लॉन्ग प्ले में जो एक्टर्स मिले वो इतने बड़े थे, इतना प्रेशर था जिसे कहते महमूद अली साहब, ठीक है जनाब, फिर अच्छा उसके अंदर हाँ थे तलत हुसैन साहब। अब ये अच्छा दो माशा ऐसे सुतून कि आप अंदाजा ही नहीं कर हाँ। सकते। वो फिर तलत वो साहब, तलत साहब कहाँ है, काम कर रहे हैं आज? मेरे ख्याल में उन्होंने दोबारा काम शुरू कर दिया है। कर दे माशाल्लाह, अल्लाह में उनको सेहत दे। अच्छा फिर हाँ तो वो एक लॉन्ग प्ले हुआ और मैं कोई इंटरेस्टेड भी नहीं था टूवर्ड्स एक्टिंग, मैं तो मॉडलिंग करके अब बस। आप तो मॉडल थे हैं। हाँ, और बड़ा एंजॉय कर रहा था, मुझे बड़ा मजा आता था मॉडलिंग में, और कमर्शियल्स और रैंप। तो वो था, मुझे वो भी दौर याद है। ये मैं तुमको दिखाता, ये दीवार देख रहे हो, ये वाली दीवार, हाँ, ये तो आप बाहर और बैठे हैं घर से क्या? हाँ मैं अपने बिल्कुल अच्छा, लॉन में। अच्छा ये दरवाजा, ठीक है, तो इस दरवाजे से निकल के मैं ये कूद के जाता था फैशन शोज के लिए। ये अच्छा वही तो वाला घर है अभी तक? जनाब बिल्कुल वही वाला घर है, तो मुझे इजाजत नहीं थी यार, तो बकौल मेरे वाले साहब के पढ़ाई खत्म करो फिर जो करना है करो। हाँ, ये हमारे साथ ही वाला था ना, दोनों के मगर साथ यही ये था। कैसे हो सकता है कि पढ़ाई खत्म करें और कुछ करें, दोनों साथ हो सकते। अब मैंने बस कहा मैं दोनों साथ कर सकता, कहते तुम्हारा वो दिमाग नहीं है कि तुम दो चीज साथ कर सको। तो मुझे अक्सर याद है, अब तुम ये बात कर रहे हो तो मुझे याद आ गया कि मैं यहाँ से जाता था, और उस जमाने में मेल मॉडल्स के लिए कपड़े भी नहीं होते थे, तो मैं अपने दोस्तों से कपड़े अच्छा मांगता था। वो तो सपोर्ट होते थे मेल मॉडल्स, तो सिर्फ खवातीन रैंप पे चल रही थी तो उनको हाँ, एक प्रॉप की जरूरत प्रॉप नहीं से कि हाँ हम अच्छा लोग खड़े हो जाते थे। तो वो भी मैं अपने दोस्तों से, जब दूल्हा बनना होता था ना तो शेरवानी किसी से मांग ली, ये कर लिया, वो लेके चले गए, और फिर वो एक ऐसा वक्त आया कि फिर सारी टाइम ही बदल गया। फिर फ्रिया अल्ताफ, फीफी हारून, इन सब ने मिलकर फिर एक दूसरा दौर दिखा दिया।